घर बैठे खाना मंगाना हो तो मन में सबसे पहला नाम जोमैटो का ही आता है। लेकिन इस बीच जोमैटो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि इंडियन स्टार्टअप जोमैटो लिमिटेड बहुत कुछ बदलने जा रही है। खबर ये भी आ रही है कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का मैनेजमेंट एक पेरेंट कंपनी बना सकता है। पूरी खबर क्या है चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल खबर ये आ रही है कि अब कंपनी को संभालने के लिए अलग अलग सीईओ रखे जाएंगे। जोमैटो अपने प्रमुख कारोबार के नेतृत्व के लिए 4 सीईओ की नियुक्ति कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2021 में जोमैटो का आईपीओ आया था और कंपनी ने हाल ही में क्विक डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट का भी अधिग्रहण किया है। नाम बदलने के विचार की खबर के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखी जा रही है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जोमैटो का नया नाम क्या होगा। आपको बता दें कि दीपिंदर गोयल पेरेंट कंपनी को रीब्रांड करने का प्लान बना रहे हैं और ये खबर है कि जोमैटो का नाम बदलकर इटर्नल रखा जा सकता है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक जोमैटो का नया नाम इटर्नल लिमिटेड रखा जा सकता है। एंड ग्रुप कंपनी टेमासेक होल्डिंग्स पीटीआई और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक द्वारा सपोर्टेड कंपनी जोमैटो ने एक इंटरनल मेमो में कहा है कि वो किराना डिलीवरी स्टार्टअप ब्लिंकिट की डील के बाद अब ऐसी यूनिट तैयार कर रहा है जिसके लिए कम से कम 4 अलग अलग सीईओ रखे जाएंगे, लेकिन ये सारे यूनिट एक साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि कंपनी के पास हाइपर प्योर नाम से बिजनेस टू बिजनेस यूनिट भी है जो रेस्टोरेंट के लिए सामग्री और रसोई उपलब्ध कराती है। मिली जानकारी के अनुसार जोमैटो बड़ी प्लानिंग में है। जोमैटो के को फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल ने कर्मचारियों के साथ एक नोट शेयर किया है जिसमें लिखा है, हमारे प्रत्येक कारोबार जैसे जोमैटो, ब्लिंकिट, हाइपर प्योर और फीडिंग इंडिया चलाने के लिए अलग अलग 4 सीईओ होंगे। सभी एक दूसरे के साथियों के रूप में काम करेंगे और एक होकर काम करेंगे। कारोबार को विस्तार करने के लिए एक सुपर टीम तैयार की जाएगी। गोयल ने आगे लिखा है कि आज से हम इस बड़े संस्थान को इंटरनल कहने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये नाम अभी इंटरनल ही रहेगा। हालांकि अब तक इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कंपनी के भीतर नया नाम इंटरनल का इस्तेमाल शुरू हो गया है। जल्द ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी की जा सकती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने इंटरनल मेल में ये भी कहा है कि हम अपनी कंपनी का नाम जोमैटो लिमिटेड से इंटरनल लिमिटेड कर देंगे, साथ ही अपने स्टॉक टिकर को भी इंटरनल में बदल देंगे। आपको बता दें कि कंपनी के इस ऐलान के बाद से इसके शेयर में 20% का शानदार तेजी देखी गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।